अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई हैं और वही हमारा अगला मंसूबा है, इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे, उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं, तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं, उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व तो इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। सर, आपको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है सर? क्या बात हुई है संगठन में, तो बात चली केंद्र में? बातचीत हुई है तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे, वो जिम्मेवारी क्या होगी मैं समझता हूँ जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है, अगर वो होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। पीएम साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और आज ये फैसला हुआ, थोड़ा अचंभित करने वाला फैसला लगा पूरे प्रदेश को? नहीं, उस तारीफ का क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं, उनको अचानक उस विषय की जब याद आई है, जब भी कोई बात मन में आती है वो बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगा है कि पुरानी बातें उन्होंने याद की हैं, लेकिन उस तारीख का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेतृत्व जो लाना है समय रहते लाना चाहिए, उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे, अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सब ने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री अनिल जी चले गए, साढ़े 9 साल का आपका कार्यकाल, कितनी संतुष्टि होती है, क्या कुछ आप नया कर पाए सर 9.5 साल में? सर देखिए, बहुत कुछ नया किया है, मैं इस 9.5 साल के कार्यकाल को अगर इसकी एक प्रकार से मैं मूल्यांकन करता हूं तो जितने व्यवस्था परिवर्तन के काम कर सकते हैं, जो हमारे ध्यान में आए, जनता को एक ठीक रास्ते पर उनको यानी शासन का लाभ मिले बिना किसी अवरोध के मिले और आसानी से मिले और जो डिजर्व करता है पात्र व्यक्ति है उसको पहले मिले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है बहुत चीज़ों का, चाहे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, और हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो किया, बहुत पहले एक विचार था कि एम्प्लॉइज को बहुत परेशानी होती है ट्रांसफ़र के नोट से उसे जाते हुए, वो हमने किया। भर्तियाँ पिछले 10 साल से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिफारिश से या पैसा खर्च करके भर्तियां लेनी पड़ी, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डीलिंग चाहे वो लाइसेंस के हैं, चाहे वो CLUs के हैं, चाहे अन्य प्रकार के, ये सब हमने किए। बहुत चीज़ें कई कई वर्षों से अटकी रहती हैं सरकारी सिस्टम में, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, तो हमने विवादों का समाधान इतने सारे काम लोगों के हित में किए हैं, खास करके जो ज़मीनें हैं, एसेट्स हैं, दुकानें हैं, 20-20 साल पुरानी ऐसे कब्जे की दुकानें कहें या जो लीज पर दी गई थी, पटे पर दी गई थी, उनको उनका मालिकाना हक दिया है, बहुत ऐसे काम किए गए हैं जिसको आज दुनिया याद करती है कि इस समय में 9.5 वर्ष में बहुत नए नए काम हुए जिसका लाभ जनता को सीधा हो रहा। सर,
नायब सिंह सैनी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मुझे याद है कि जब पार्टी का काम संगठन मंत्री के नाते मैंने संभाला था 1994 में, उसके कुछ एक दो वर्ष के बाद 1995-96 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यानी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने थे, उसी समय लगभग कार्यालय में काम करने के नाते से नायब सिंह सैनी हमारे पास आए थे और हमने उनके साथ मिल करके जो भी यानी एक प्रकार से कंप्यूटर का काम, खास करके टाइपिंग का काम या हमारे ऑफिस का जो बाकी काम लिखने पढ़ने का, वहाँ से उन्होंने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते एक अच्छा विकास उनका हुआ। लगातार मैंने बहुत प्रांतों में, मेरा भी चुनाव में ड्यूटी लगती रही तो साथ भी जाते रहे, काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़ने की बात आई 2014 में, तो पार्टी ने, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने एक अच्छे वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते उनको चयन किया, विधायक बने, फिर मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने। उसके बाद उसी 4.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए और अब पिछले कुछ महीने से प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। तो एक व्यक्ति पहचाना जाता है, कार्यकर्ता जिसके अंदर एक गुण है, सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत सबको साथ लेके चलने वाले हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है, समाज में एक स्थान बना हुआ है। तो इस नाते से वही एक मुझे लगता है कि एक मापदंड ऐसे रहे होंगे कि इस व्यक्ति को हम अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रदेश में एक अच्छी खुशी की लौट दौड़ेगी। उस नाते से उनको आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो मेरा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है, जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था। उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज़ हुए थे, वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज़ जल्दी होते हैं लेकिन नाराज़ होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराज़ी जाहिर की है, अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज़ हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराज़गी आज उनकी है, आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में अभी और आगे चर्चा चलेगी, जल्दी होगा क्योंकि अभी तो आज बहुत जल्दी जल्दी से ये करना था और विशेष तौर पर चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, हालांकि आचार संहिता का उस एक्सपेंशन से कोई संबंध नहीं होता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन काम रुके नहीं, इसलिए जितने भी प्रमुख लोगों को आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के परामर्श से जो भी कुछ आगे निर्णय होने होंगे केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय करके उनको बताएं। तो सर, अनिल विज साहब को डिप्टी सीएम इनका नाम था, अनिल विज साहब का डिप्टी सीएम के रेस में नाम था कैबिनेट के लिए? सर देखिए, आज मंत्रियों के ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष अनिल की नाराजगी की वजह क्या है सर? क्या इसका राज क्या है सबसे पहले, और दूसरा क्या, किसका राज? खुशी हमारे यहाँ जो काम होता है बहुत खुशी खुशी होता है, और मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत पहले, आज नहीं, बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कोई अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नई पीढ़ी में से मिलता हो तो लाना चाहिए। आखिर 8-9 वर्ष काम करते हुए जो किसी का बेस्ट होता है वो 8-9 वर्ष में यानी डिलीवर कर देता है। हम लोग भी आखिर अपने अपने स्थान पर जो काम करते हैं, हमारी डिलीवरी 2-3 साल 4 साल बाद होती है, तो 4-5 साल बाद या तो तबादला हो जाता है या कोई चैनल बदल लेते हैं या कोई अखबार बदल लेते हैं, सबके जीवन में होता है। देखिए आप कोई शब्द मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। आज प्रदेश की जनता यानी इस हमारी काम को लेकर के इतनी संतुष्ट है, प्रसन्न है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं कि हमारी 10 की 10 सीटें लोकसभा में आएंगी और आगे विधानसभा में भी हमारी पूरी फुल मेजोरिटी, जो हमारी कमी भी रह गई थी पिछली बार, कमी नहीं रहेगी, फिर से आएगी। ये कौन सी बातें, आगे और कहां से आगे, मुझे समझ नहीं आता। नहीं नहीं, आप हाइपोथेटिकल कोई प्रश्न करेंगे, दीज आर नॉट टू बी आंसर्ड। विजेंद्र सिंह गए छोड़ करके, आपको लगता है इसको पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे जाने से नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? देखिए, जो कोई खुद काम करता है वो अपने आप को उस काम के लिए उसका औचित्य ठहराता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा कदम नहीं किया, क्योंकि जिस दलदल से वो निकल करके आए थे,
हमने तो उस दलदल से जब वो निकले थे बाहर, तो उनको कमल की एक कली के ऊपर उनको खिलाया था, और खिलाने के बाद अब वो मालूम नहीं कि बाद में फिर वो मुरझा करके वापस दलदल में जाने की उनकी इच्छा होगी, तो वापस दलदल में डूब गए हैं। हम तो दलदल में से निकाल के लोगों को कमल, कमल भी दलदल में ही होता है कि उसी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल के ऊपर खिल करके ऊपर चढ़ना वो भविष्य का एक द्योतक होता है कि अच्छा भविष्य लेके आएंगे। लेकिन किसी का मन ही ऐसा करे कि मुझे दलदल में मज़ा आ रहा था, वो दलदल में मज़ा लेने के लिए फिर चले गए, ऐसा कोई विषय नहीं था। देखिए काम के बारे में हमारा जो टारगेट होता है वो अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर लेके जाना, प्रदेश को एक ऊंचाई पर लेके जाना, जनता की सेवा करना, और ये सारे काम ऐसे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, स्काई इज द लिमिट। हम कितना भी कर लेंगे तब भी हम ये नहीं कह सकते हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं, आगे करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथी नायब सिंह सैनी उन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरा उनका सहयोग, जितना ज़्यादा सहयोग होगा मैं करूँगा, क्योंकि आखिर तो हरियाणा में ही काम करना है, चाहे वो कोई भी दायित्व हो, तो बड़े दायित्व के साथ भी हरियाणा के यानी जो काम हमारे चल रहे हैं उसमें पूरा सहयोग करना मेरा काम है। नए काम भी करने के लिए अवसर बहुत हैं, आगे 2025 से उन नए कामों को भी हम लोग मिलकर। देखिए हमारे टच में तो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे अपने भी हैं, नहीं हमारे, मैं तो 90 के 90 कह रहा हूँ, हमारे अपने भी तो है ही हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट है, साथ में जो कांग्रेस के हैं, साथ में जेजेपी के हैं, कोई ऐसा नहीं है। खास करके जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुख्यमंत्री के नाते से सबका ही संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है, हमारे पास वो काम भी लेके आते हैं। अब सामने वालों के मनों को नाप करके वो नापेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उस नपाई में आए हैं, लेकिन एक रणनीति का विषय है, इस समय बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है। धन्यवाद। We'll be right back.